जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू संडे व्लॉग। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मेरी वीडियो दो तीन दिन से नहीं आ रही, मैं बिजी था थोड़ा, जिसकी वजह से मैं व्लॉग बना नहीं सका। तो कल भी मैंने व्लॉग बनाना था, लेकिन कल ज़रा थोड़ी मसरूफियात थी, ज़रा गए हुए थे कहीं पे, तो उसकी वजह से जो व्लॉग नहीं बना सका। मैं क्या सोचा, घर में है तो आज संडे है, ऑफिस से भी छुट्टी है, तो छोटा सा व्लॉग श्लॉग हो जाए। अभी हमने नाश्ता किया है, नाश्ता थोड़ा सा कर लिया है, इस वजह से मैंने नाश्ते की वीडियो नहीं बनाई। तो और आज दिन है संडे, और घर पे हम करेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, पूरे संडे तक के आज काम शाम भी और आराम शराम भी करेंगे। तो जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लौरी लाइफ सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल लौरी लाइफ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें। तो मेरे साथ जुड़े रखिएगा। जी तो व्यूवर्स, आज संडे हम घर पे ही गुजार रहे हैं। तकरीबन 7 बज गए और मैच शुरू हो गया है पाकिस्तान श्रीलंका का। तो ये मेरा मुन्ना मेरे साथ ही लेटा हुआ है, तो बस दुआएं कर ली हैं कि अल्लाह करके आज का फाइनल जो है पाकिस्तान विन कर जाए, तो बस ताकि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान जीत जाए। तो अपनी कंट्री के लिए तो आपकी दुआएं करते हैं, श्रीलंका में श्रीलंका वालों अपने प्लेयर्स के लिए करेंगे, पाकिस्तान ऑब्वियसली हम पाकिस्तान से जो है वो इनके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो अल्लाह करके आज पाकिस्तान विन करे। तो अभी मैच स्टार्ट हुआ है, मैच देख रहे हैं। आज जो है घर पे ही टाइम शाइम गुजारा है, क्योंकि मोस्टली संडे घर पे ही होता है। तो ये देखें जी, ये मैच देख रहे हैं, ये दिखाता चलूँ मैं आपको। तो ये देख रहे हैं हम घर पे लेट के मैच, अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, साथ साथ बच्चे खेल रहे हैं, हुसैन सुबहान भी खेल रहे हैं। तो अभी खाना शाना खाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। तो एंजॉयमेंट हो रहा है, संडे आज सारा दिन रेस्ट करके गुजारा है, क्योंकि सारा वीक जो है वो ऑफिस ड्यूटी वगैरह के पे ही गुजरता है। तो इस वजह से जो है संडे घर पर अपने गुजर रहा है। दिखाते चलते हैं आपको अपनी और भी रूटीन के लाइफ। जी तो व्यूअर्स, मैच जो है वो इंटरेस्टिंग सूरत हाल पकड़ चुका है। 58 पे जो है वो 5 विकेट्स गिर चुकी हैं। तो यहाँ पे जो है बड़ा मज़ा आ रहा है मैच देखने का। ये देखें जी, आपको दिखाता चलूँ। ये तो यूजलेस ही फोर हो गया, ये चांस था नहीं फोर होने का, बल्कि विकेट बच गई है, विकेट बचने के चक्कर बची है तो फोर हो गया, ये तो यूजलेस ही फोर हुआ है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 5 विकेट्स गिर गए हैं 60 स्कोर पे। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आज विन करेगा। तो बड़ी अच्छी जो है वो स्ट्रेटजी बनाई है पाकिस्तान ने। मेरा ख्याल है, जो मुझे लग रहा है, पाकिस्तान ने पिछला मैच जो ईजीली श्रीलंका को जितवाया है, उनको सिर्फ इसीलिए जितवाया ताकि वो जो है वो पाकिस्तान को इजीली ले सके, और ये जो है वो अगला मैच उनको इजीली फाइनल में हरा सके। तो देखते हैं आगे, देखते हैं फिर क्या क्या होता है फिर। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैच की जो इस टाइम कंडीशन बनी है, इस टाइम जो है मैच का जो वन साइडेड मैच नज़र आ रहा था, लेकिन इस टाइम टू साइडेड मैच हो गया। वैसे तो इस टाइम श्रीलंका को इस टाइम 120-130 का टारगेट बस जो एक्सपेक्ट कर रहे थे देगी वो,
लेकिन इस टाइम पाकिस्तान ने जो है वो टारगेट 170 का टारगेट जो है वो चेज करना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस टाइम जो है वो काफ़ी मुश्किल का शिकार नज़र आ रहा है। तो बस दुआ कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ये मैच किसी तरह एशिया कप का फाइनल विन कर जाए। तो मेरी तरह आप सब लोग भी दुआ करें ताकि पाकिस्तान मैच विन कर जाए।